समय और समझदारी दोनों बड़ी अजीब चीज है। जब समय रहता है ना तो समझदारी नहीं आती, जब समझदारी आती है तो समय चला जाता है। दुनिया का कोई इंसान कामयाब हुआ है तो उसको एक ही चीज है कि उसने समय रहते समझदार हो गया था, और असफलता वही हुआ है जो समय के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। लोग यहाँ ड्रीम देखते हैं, ड्रीम। हम आपको अपनी पर्सनल बात बताते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में कभी ड्रीम नहीं देखे थे। लड़कों का जो ड्रीम था ना, मेरा ड्रीम मेरा प्लान था, नॉट माई ड्रीम इट्स माई प्लान, कि हमको ये करना है। और वही हम अपने फ्रेंड सर्किल में देखते थे ना, उनका वो सपना था, काश ये हो जाता, मैंने काश ये हो जाए, काश हम ये करेंगे और ये हम करके दिखाएंगे। तो हमने अपनी जिंदगी में कभी कोई ड्रीम नहीं देखा, और आज तक हमारा कोई सपना नहीं है, वो मेरा प्लान है, हमें ये करना है, और हम उसको जब तक नहीं कर लेते हैं हमको एकदम मतलब शांति नहीं रहता। स्टूडेंट लाइफ में लड़के देखिए, जो भी अपने समय से साथ खिलवाड़ किया उसको तो चौपट होना फिक्स है। तो जो भी आजकल स्टूडेंट है, लड़का लड़की, ये लोग, इनको लगता है कि ये जो चार दिन की चांदनी है इनमें लगता है, तो जो इनकी स्टूडेंट लाइफ की जिंदगी जिनकी बहुत रंगीन रहती है ना, उनका आगे का पूरा जीवन सादा बीत जाता है। और स्टूडेंट लाइफ में जितना सादा जिंदगी बिताइए आगे की जिंदगी उतनी आसान है। हम लोग की यही बात स्टूडेंट लाइफ की, हम लोग की तो हमारा मतलब बताते हैं ना कि पॉकेट खर्च से भी कम पैसे आते थे हम लोग के पास। शायद यही रीजन रहा था कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। उस वक्त हम मतलब देखते थे और दोस्तों को कि इनके फैमिली से इतने पैसे आ जाते हैं, कभी कभी अपने परिवार वालों को भी पूछते थे, अरे मेरे परिवार वाले हैं, मतलब एक शर्ट खरीदने का भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता। लेकिन आज हमें बहुत खुशी होती है कि सही किया उन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि आज मेरे लिए प्राइस टैग मायने ही नहीं रखता है, उस पर कितना प्राइस है ये मायने नहीं रखता है। लेकिन क्या कहिएगा, उस समय अब एक वो रह गया ना, स्टूडेंट लाइफ में गार्जियन जितना भी बच्चों को दबा के रखें, कम पैसे दें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। यही लाइफ रहती है, लड़का लड़की सबके लिए हम यही कहेंगे, स्टूडेंट लाइफ को सादा बिताना चाहिए।